बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण परिवहन विक्रय के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के पालन में थाना नेपा नगर पुलिस को दो स्थानों पर अवैध शराब की धरपकड़ में सफलता प्राप्त हुई है। एक कार्यवाही में सोनू दनाफ्ता रोड पर मोटरसाइकिल पर थैलियों में भरकर शराब ले जाते आरोपी को 63 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरी कार्यवाही में सोनू के जंगल में बांस नाले के करीब शराब निर्माण के अड्डे से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 19/2/2022 की सुबह नेपा नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ग्राम सोनुद व नावथा के बीच बांस नाला तरफ आम रोड पर भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब लेकर आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर रवाना होकर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। थोड़ी ही देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। बिना नंबर की नई होंडा यूनिकॉर्न के पीछे और दोनों तरफ रस्सी से दो प्लास्टिक की बोरियां बंधी हुई थी। मोटरसाइकिल चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दिलीप पिता प्यार सिंह जाति भिलाला उम्र 20 वर्षीय निवासी ग्राम समरिया थाना खकनार का होना बताया। मोटरसाइकिल में बंधी हुई प्लास्टिक की बोरियों को खोलकर चेक करते दोनों बोरियों में करीब 1-1 लीटर क्षमता वाली पॉलीथीन की कुल 63 पन्नियों में कुल 63 लीटर भरी हुई मटमैले रंग की हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब होना पाया। उक्त शराब के संबंध में दिलीप से पूछताछ करते शराब बेचने हेतु ले जाना बताया। उक्त शराब को ले जाने एवं बेचने एवं कब्जे में रखने के संबंध में पूछताछ करते लाइसेंस नहीं होना बताया। आरोपी दिलीप का कृत्य अपराध धारा 34 आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से उक्त 1-1 लीटर क्षमता वाली पॉलीथीन की कुल 63 पन्नियों में कुल 63 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 6300 रुपये एवं एक बिना नंबर की होंडा कंपनी यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल कीमती करीब 1 लाख रुपये की जब्त की गई। आरोपी दिलीप पिता प्यार सिंह को गिरफ्तार कर अपराध कायम कर विवेचना में लाया गया।